तो भाई लोग, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे भाई लोगों को ये सवाल जो है मन में उठता रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एम्पलीफायर में कितना वोल्टेज इनपुट देना चाहिए, जैसे कि कितना वोल्ट हम इसमें करेंट दे सकते हैं एम्पलीफायर में। साथ ही साथ यहाँ पर हम उसमें कितना केवीए का स्टेबलाइजर लगाएंगे, जैसे कि हमारा जो एम्पलीफायर रहेगा 1000 वाट का रहेगा, 2000 वाट का रहेगा, 3000 वाट, 4000 वाट, 5000 वाट या फिर 6000 वाट या फिर 7000 वाट रहेगा या फिर 8000 वाट रहेगा। तो उसके लिए हमें कितने केवीए का हमें स्टेबलाइजर देना होगा, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें हम वोल्टेज कितना देंगे एम्पलीफायर में, जो कि एम्पलीफायर जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं डिजी रॉक चैनल। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर एम्पलीफायर में कितना वोल्टेज इनपुट देना चाहिए, तो एक भाई का सवाल था। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 500 वाट का एम्पलीफायर लेते हैं तो कम से कम आप 1 KVA का आप स्टेबलाइजर लगाइए, कम से कम होना चाहिए उतना। 500 वाट का एम्पलीफायर है तो जैसे कि 200 वाट, 250 वाट, 300 वाट या फिर 350 वाट, 400 वाट के भी एम्पलीफायर होते हैं, 500 वाट, तो 500 वाट तक के जितने भी एम्पलीफायर आपको कम वाटेज का जो है वो कम से कम 1 KVA का स्टेबलाइजर आपको देना पड़ेगा। वहीं हम बात करेंगे 1000 वाट या फिर 1500 वाट, 1200 वाट जैसे एम्पलीफायर आपका होता है, बूस्टर एम्पलीफायर होता है, तो उस टाइप का एम्पलीफायर है तो आप 2 KVA का स्टेबलाइजर दे सकते हैं। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा KVA का स्टेबलाइजर है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा KVA का भी स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उससे ऊपर एम्पलीफायर, जैसे कि 1000 वाट से ऊपर के लिए आप 2000 वाट का एम्पलीफायर अगर लगाते हैं तो 3 KVA का स्टेबलाइजर लगाइए। अगर आपके पास 5 KVA का है तो 5 KVA का भी लगा सकते हैं, उससे कोई बड़ा यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी बड़ा स्टेबलाइजर है तो बड़ा भी स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कम से कम ये बता रहा हूँ कि आपको इतना KVA देना चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा आपको साउंड दे सके एम्पलीफायर। और बात करेंगे यहाँ पर 3000 वाट और 4000 वाट, मतलब 3000 वाट से लेकर के 4000 वाट का जो एम्पलीफायर आपका रहेगा उसके लिए आप यहाँ पर 5 KVA का स्टेबलाइजर दीजिए, जो कि काफ़ी सही रहेगा, ज़्यादा भी दे सकते हैं, हम कम से कम की बात कर रहे हैं। 5 KVA का चाहिए होगा आपको 3000 वाट से लेकर के 4000 वाट का एम्पलीफायर के लिए। फुल लोड के हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एम्पलीफायर में अगर फुल लोड आप डाल रहे हो तो फुल लोड पे आप यहाँ पर 5 KVA का स्टेबलाइजर दे सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पर 5000 वाट से लेकर के 6000 वाट के लिए कितना KVA का स्टेबलाइजर लगेगा। तो गाइज यहाँ पर 5000 वाट से लेकर 6000 वाट का एम्पलीफायर 7.5 KVA का यहाँ पर आप लगाइए, जैसे कि इसमें आपका 2500 वाट का 2 एम्पलीफायर हो सकता है या फिर 2000 वाट का 1 एम्पलीफायर और 3000 वाट का 1 एम्पलीफायर हो सकता है। तो उस हिसाब से आप जो 5000 वाट या फिर 6000 वाट इस टाइप से आप कैलकुलेट करके 7.5 KVA का यहाँ पर आप इस स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, 10 KVA का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कम से कम बता रहा हूँ कि भाई लोग जो है कन्फ्यूज़न में ना रहें। वही हम बात करेंगे 7000 वाट से लेकर के 8000 वाट का जो एम्पलीफायर हमारा आता है या फिर हमारा जो लोड बनेगा 7000 वाट या फिर 8000 वाट का जो एम्पलीफायर का हमारा लोड बन जाता है, तो यहाँ पर आपको 10 KVA का स्टेबलाइजर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि 10 KVA का स्टेबलाइजर देते हैं तो उसमें हम 8000 वाट तक लोड डालेंगे तो स्टेबलाइजर जो है काफ़ी सेफ रहेगा और काफ़ी अच्छा भी चलेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा केवीए का भी स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। अगर आप इसमें कम केवीए का स्टेबलाइजर लगाते हैं तो आपका साउंड दब के मिलेगा, उतना ज़्यादा खुल के नहीं मिलेगा, तो ये आप समझ लीजिएगा। और अपने सेटअप में जैसा मैंने आपको बताया उतना केवीए का स्टेबलाइजर आप दीजिए, और उसका जो वायर रहेगा वो भी काफ़ी मोटा रखिए जो कि आपको काफ़ी अच्छा साउंड दे सके, लाइट भी दबे ना। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हम कितना देंगे एम्पलीफायर में। जैसे कि वोल्टेज हमारा रहता है 200, 220, 230, 240, 250, मतलब कितना वोल्टेज हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एम्पलीफायर का जो वर्किंग जो वोल्टेज होता है, मतलब अच्छे से अच्छा यहाँ पर, तो यहाँ पर 220 से लेकर 240 उससे बीच में अगर आप चलाते हो तो काफ़ी बेस्ट एम्पलीफायर रहेगा। जैसा कि हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में, तो यहाँ पर 230 वोल्ट लाइट अगर आप देते हैं तो आपका एम्पलीफायर काफ़ी बेस्ट तरीके से चलने वाला है, और 220 वोल्ट भी अगर आप देते हैं तो काफ़ी अच्छा चलेगा,
और अगर हम बात करेंगे इससे कम वोल्ट रहेगा तो चलेगा या नहीं, तो सभी एम्पलीफायर जो है अलग अलग वोल्टेज में चलते हैं, उसमें आपको स्पेसिफिकेशन दिया होगा, जो एम्पलीफायर आपने लिया होगा उसके जो आपको कैटलॉग मिलेगा उसमें स्पेसिफिकेशन दिया होता है कि ये कितना वोल्टेज से कितना वोल्टेज तक चलता है। लेकिन हम कम से कम बात करें तो कम से कम एम्पलीफायर को 200 वोल्ट मिलना चाहिए कंटिन्यू, तो आपको काफ़ी अच्छा साउंड मिल जाएगा। लेकिन अगर 220 वोल्ट रहे तो और भी काफ़ी अच्छा रहेगा, एम्पलीफायर गर्म नहीं होगा और आपको जो आउटपुट है वो भी काफ़ी तगड़ा वाला मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, छोटा सा एक टॉपिक था लेकिन बहुत सारे भाई का मन में जो है डाउट या फिर जो भी है क्वेश्चन वगैरह उठ रहे होंगे, तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल रंग का बटन है उसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।